तो ये है अपने पास बॉस का ग्राइंडर मशीन, तो इसमें रिपेयरिंग करना है, इसको फुल रिपेयर करेंगे और साथ ही साथ इसमें प्रॉब्लम भी देखेंगे क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे इसका मॉडल नंबर आपको शो हो रहा होगा, तो इसका मॉडल नंबर जो है 600 है, लेकिन एक और आर्मेचर आता है 6100, वो भी इसमें इजीली लग जाएगा, यानी सेम ही लग जाएगा। तो ठीक है, इसको पहले चेक करते हैं, तो देखेंगे सीरीज बोर्ड में लगाने के बाद में इसमें कोई एलईडी में, यानी जो बल्ब है अपना, कोई ग्लो नहीं कर रहा है। तो पहले इसका बैक से खोलेंगे और आर्मेचर को चेक करेंगे, यानी उसके सबसे पहले अगर किसी अप्लायंस को रिपेयर किया जाए तो उसका लीड को चेक किया जाता है, यानी इसके लगे हुए जो वायर हैं इनको हम चेक करेंगे। फिर दोबारा जो चेक करने की चीज़ होता है वो होता है कार्बन, तो इसमें कार्बन देखेंगे, ऑलरेडी इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए हम इसका लीड नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बन हमें नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कार्बन इसका ख़राब है। तो अगर फॉल्ट नहीं दिखता है तो सबसे पहला प्रोसेस है रिपेयर का, पहले इसका हम लीड चेक करेंगे, फिर कार्बन चेक करेंगे, उसके बाद स्विच चेक करेंगे, बारी बारी से एक एक चीज चेक करते जाएंगे। तो मेन इसमें है लीड, स्विच, कार्बन, और तब भी आपका नहीं चल रहा है, तीनों सही है, उसके बाद भी नहीं चल रहा है, तो इसका फील्ड और आर्मेचर को चेक करेंगे। तो देखते हैं, ये है इसका, चार पेच लगे होते हैं, इसको बाहर करके इसका आर्मेचर को हम देखेंगे क्या कंडीशन है और क्या नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मार्कर लगा लें कि कौन सा कहाँ पे फिट था, किस साइड, तो उससे ये होगा कि आपका भूलेगा नहीं, आपको इधर से उधर नहीं होगा। तो यहाँ से हम निकाल लिए हैं और ये देखिए, निकालते ही प्रॉब्लम दिख गया इसमें क्या है, आर्मेचर बिल्कुल इसका ख़राब है, यानी जला हुआ आर्मेचर है। तो यहाँ पे देखेंगे 6100 ये है, तो बस इसमें से कुछ नहीं करना है, सेम उसको रखेंगे, सेम अगर आपके पास आर्मेचर है तो, और एक एक पार्ट को खोल के इसमें हम डाल देंगे। तो देखेंगे काफ़ी इजी है, निकल गया। अब यहाँ से हम हल्का सा ठोकेंगे तो यहाँ से बैरिंग भी निकल जाएगा, और उसके बाद जो भी इसमें ये रिंग है इसको भी अच्छे से संभाल के रखेंगे, ऐसा ना हो कि खो जाए, और इसको बैरिंग को निकाल लेंगे बाहर। अगर बैरिंग सही है तो फिर दोबारा इसी बैरिंग को इंस्टॉल करेंगे, अगर बैरिंग नहीं सही है तो फिर दूसरा बैरिंग इसमें डालेंगे। तो ये देखेंगे बिल्कुल सेम आर्मेचर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये ऊपर से बैरिंग को डालेंगे, और उसके बाद ये वाशर था छोटा सा, बारी बारी से एक एक चीज़ को नोटिस करेंगे कौन कब था और कैसे था। तो जैसे ही था वैसे इसको हल्का सा टच करेंगे, नहीं ठोकेंगे, ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, और ऊपर से पेच को अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो ये उल्टा चूड़ी होता है, अगर नहीं टाइट हो रहा है तभी कोई बात नहीं है, बिना टाइट किए ये बन नहीं पाएगा, तो टाइट ज़रूर करें। उल्टा चूड़ी होता है और सीधा चूड़ी, यानी नहीं हो रहा है तो इसको उल्टा और सीधा करके दोनों घुमा के चेक कर लें, देखें बिल्कुल ये हो गया। तो ठीक है, यहाँ से इसके बाद जो है इसको फुल टाइट कर लेंगे और जो रिंग है इसमें डाल देंगे, और अच्छे से यहाँ पे डालने के बाद जैसे फिट था बिल्कुल देखेंगे कंप्लीट ही अपने पास फिट हो चुका है। और बैक में 607 नंबर का बैरिंग होता है, तो अच्छी कंपनी का बैरिंग डालेंगे और लकड़ी से ठोक लेंगे ताकि बैरिंग ख़राब ना हो, आर्मेचर की कंडीशन बिल्कुल अच्छा है। ऐसे तो देखेंगे जितना क्लियरिटी आपको दिखाया जा रहा है, चाहें तो इजीली आप घर पे भी आर्मेचर चेंज कर सकते हैं, जो कि जानते हैं जैसे कि मेरे चैनल पे रेट भी बताया जाता है। तो अगर मार्केट में आर्मेचर खरीद रहे हैं तो आपको 350 रुपये से 400 रुपये के बीच में लगने वाला है, और अपने हाथ से लगा रहे हैं यानी खुद पे लगा रहे हैं तो समझें 200-250 रुपये आपका इजीली बच जाएगा। तो बस यही था इसका प्रोसेस। अब यहाँ जहाँ से आप खोले थे मार्क लगाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो मार्क इसलिए लगाया जाता ताकि भूले नहीं। अब सेम उसी जगह रख के इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे, और उसके बाद कार्बन लगाएंगे इसमें, क्योंकि पहले कार्बन नहीं लगा सकते, नहीं तो टूट जाएगा आर्मेचर से। तो यहाँ पे उसका कार्बन लगा लेते हैं और उस जैक में हम डाल देंगे। तो ये हो गया, कार्बन को अच्छे से क्लिप में बिठा देंगे ताकि स्पार्क ना करे और इसमें से निकले भी नहीं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल अच्छे टेक्निकल वीडियो देखने के लिए, जो भी बताया जाता है, जिन भी नॉलेज दिया जाता है। तो देखेंगे इसको अच्छे से डाल देंगे, और मेरे चैनल पे आपको होम अप्लायंस का रेट, होम अप्लायंस पार्ट्स का रेट बिल्कुल बताया जाता है, या कोई भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस ले रहे हैं तो अगर उसका रेट जानना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करें, आपको उसका रेट बता दिया जाएगा। तो अच्छे से इसको हम इसमें डाल देंगे, और उसके बाद
बैक कवर को हम टाइट कर लेंगे। कार्बन के ऊपर जो इसको दाबने के लिए एक होता है लॉक, उसको लगा दें ताकि वो दबा रहे। तो यहाँ से इसको हम जो ऊपर का ब्लेड है इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। जब तक हम ब्लेड को टाइट कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राधे इलेक्ट्रिक 96, चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हैं। तो फाइनली देखेंगे सही हो गया है।